प्रकृति सिंह, मैं आपको स्केट करके सिखाने वाली हूँ। हम लोगों के स्केटिंग के पीछे यहाँ पे जो स्क्रू लगे इससे हम टाइट और इसे लूज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे अपने हिसाब से इस तरह टाइट और कर सकते हैं। अब हम लोग स्केटिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए, हमें पहले इस तरह करना है। इसके बाद हमें चलना है। इसके बाद हमें जंप करना है। उसके बाद हमें बिना सपोर्ट लिए ऐसे छप करना है। अब हम लोग हम आपको बताएंगे हम गार्ड्स क्यों पहनते हैं। हम हेलमेट इसलिए पहनते हैं क्योंकि अगर हम ऐसे गिरेंगे या ऐसे गिरेंगे तो हेलमेट हमारे हेड में हेलमेट चोट लगने से बचा लेगा। और हम ग्लव्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि हम ऐसे गिरेंगे तो इसे लगाने से हम बच जाएंगे। और हम यहाँ वाले गार्ड्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि अगर हम ऐसे गिरेंगे तो हमारी यहाँ की बोन्स डैमेज हो सकती हैं। इसलिए हमें ये पहनना चाहिए जिससे हमारी बोन्स डैमेज होने से बच सकती है। हमें नी गार्ड्स इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि अगर हम ऐसे गिरेंगे तो हमारे लेग्स में चोट नहीं लगेगी। अब हम लोगों को स्केटिंग करना है। अब हम आपको बताएंगे हमें स्केटिंग करने से पहले अपने नट को टाइट कर लेना है जिससे हम फिस लेना, और हमें कुछ दिनों तक ऐसे चलना है। बाद हमें कुछ दिनों तक झुक के चलना है। के बाद हमें थोड़ा थोड़ा फिसल के चलना है। इस तरह हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फिसलना है। के बाद हम स्केटिंग सूट के व्हील्स नॉर्मल कर लेने हैं। जब हम लोगों का बैलेंस बन जाए तभी हमें नॉर्मल करना है। अब हम लोगों को स्टॉक लगा के चलना है। इसके पहले हम आपको बताएंगे ब्रेक्स कितने टाइप्स के। ब्रेक टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है टी ब्रेक और एक होता है जॉइंट ब्रेक। टी ब्रेक हम इस तरह लगाते हैं, हम आपको अभी तक जब बताते हैं। हम इस तरह टी ब्रेक लगाते हैं। अब हम आपको बताएंगे हम जॉइंट ब्रेक इस तरह लगाते हैं। हम इस तरह जॉइंट ब्रेक लगाते हैं। अब
हम लोग स्टॉप लगा लगा के चलेंगे। उसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि हमें कभी भी स्पीड में चलते समय दोनों ब्रेक एक साथ नहीं लगाने चाहिए, इससे हम गिर सकते हैं, हमें चोट भी लग सकती है। अब हम आपको स्पीड में चल के दिखाएंगे। देखिए हमें 20 एयर में चलना है। हम आपको बताएंगे कि जब कोई चीज़ हम लोगों के रेसिंग करते समय सामने आ जाए तो हमें उससे कैसे बचना है।